नमस्कार, मैं आलोक शुक्ला स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कैसे करें, एक बहुत बड़ा प्रश्न आप सभी के दिमाग में रहता है और मेरे सारे छोटे भाई छोटी बहन जो इस बार फ्रेशर हैं, यानी कि इस बार तैयारी पहली पहली बार प्रारंभ कर रहे हैं, जो इससे पहले किसी कॉम्पिटिशन में नहीं बैठे, किसी एग्ज़ाम में नहीं बैठे, उनके लिए रेलवे के एग्ज़ाम कहीं ना कहीं क्रैक करना बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। तो फिर ऐसे मेरे भाई बहन जो अभी इस बार पहली बार तैयारी कर रहे हैं, वो तैयारी में पीछे क्यों रह जाएं? क्या उनके लिए कोई रणनीति नहीं है? क्या उनके लिए कोई बेहतर प्लान नहीं है? क्या उनके लिए कोई ऐसा तरीका नहीं है जिससे वो अपनी तैयारी में उन बच्चों के बराबर आ पाएं, उन बच्चों के समकक्ष आ पाएं जो लगातार तैयारी करते हुए आ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल है। अगर आप एक बेहतर रणनीति के साथ, एक बेहतर प्लान के साथ आगे बढ़ते हो, एक फाउंडेशन के साथ आगे बढ़ते हो, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आपको उसके लिए एक बेहतर रोड मैप चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और इस सेशन में बहुत बेहतर तरीके से आपको मैं समझाने वाला हूं, मेरे वो सारे छोटे भाई बहन जो इस बार पहली पहली बार तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो ग्रेजुएशन पोस्ट पे हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो 12th लेवल पोस्ट की तैयारी कर रहे हैं, सारे लोगों के लिए बहुत बेहतर तरीके से मैं आपको सब कुछ समझाने वाला हूं। तो इस सेशन में सब कुछ कैसे करें तैयारी, फ्रेशर्स के लिए मूल मंत्र यहां पे। इस वीडियो को वो बच्चे जिन्हें लगता है कि नहीं मैं तैयारी 2-3 महीने पहले से कर रहा हूं, उनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग को यह बहुत ज्यादा आपके लिए लाभदायक नहीं साबित होने वाला है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि आप इसे बहुत सीरियसली लोगे भी नहीं। क्लियर सी बात यह है। इसलिए बहुत ज्यादा अगर इच्छुक हैं तो आप देखिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर कोई पहली पहली बार तैयारी कर रहा है, तो इस बात की गारंटी है कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से हो जाएगा अगर आप इतना रोड मैप फॉलो कर लिए तो। तो ये क्या है, मैं आपको सब कुछ समझाता हूँ क्या है रोड मैप। और यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने आपको यहाँ पे लगा रखा है क्या, फ्री प्रारंभ सीरीज। प्रारंभ सीरीज क्या है, क्योंकि आप अपनी तैयारी प्रारंभ ही कर रहे हो, और ऐसे मित्र जो तैयारी प्रारंभ कर रहे होते हैं उनके लिए बेहतर है कि सिलेक्शन का आपका फाउंडेशन, जिसमें हम आपके लिए लेके आए हैं 7 दिन 7 ऐसी क्लास जो आपका फाउंडेशन बनाएगा। ये आपके रेलवे एनटीपीसी का नोटिफिकेशन आ गया है 5/2024, और इसका आवेदन भी प्रारंभ हो रहा है। इससे पहले मैं आपके ये सारे ही पोस्ट, चाहे आप गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें, चाहे सीनियर क्लर्क की बात करें, चाहे JACET की बात करें, CCC TS की बात करें, या स्टेशन मास्टर की बात करें, हर पोस्ट के लिए किस प्रकार से आपको कौन सा जोन बेहतर हो सकता है, किस कैटेगरी के लिए कौन सा जोन सेफ जोन है, कहां से, अगर आप किस राज्य से हो तो कहां पे आपको अप्लाई करना चाहिए, साथ में मैंने आपको हर पोस्ट वाइज सेफ जोन बता के रखा हूं। और ये सारी की सारी आपकी जो वीडियोस है प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं, जो प्लेलिस्ट है आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हो। इस प्लेलिस्ट में आप ये सारी वीडियोस देख पाओगे। और आप सभी छोटे भाई बहनों को मैं आभार प्रकट करता हूं कि आप सभी लोगों ने इतना विश्वास दिया है कि 65-65, 63-63 हजार बच्चों ने एक एक वीडियोस को देखा है। तो जाहिर सी बात है कि आप लोग ने ये पसंद किया है, और इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं आप सभी को। तो ये पूरी प्लेलिस्ट मैंने अपडेट कर दी। इस पूरी प्लेलिस्ट में आपको फॉर्म फिल करने से सेफ जोन से संबंधित, एग्जाम सेंटर कहां पे जाएगा, मेडिकल से संबंधित, ये सब आप इस प्लेलिस्ट में पा जाओगे। प्लेलिस्ट का नाम आरआरबी एनटीपीसी सेफ जोन फॉर्म फिलिंग करके आपका दिया है परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल पे ही। और मैंने ये भी बता दिया है कि आपका लोवेस्ट जोन और हाईएस्ट कट ऑफ जोन कौन सा है, पूरा मैप के माध्यम से इन सब वीडियोज में मैंने एक एक चीज बता दिया। अब इस सेशन में क्या जरूरी है आपके लिए, वो मैं आपको समझाने आया हूं, और किस प्रकार से आपको तैयारी करनी है। जैसा कि मैंने बोला कि आप सभी के लिए एक प्रारंभ सीरीज लेके आया गया है, और ये आपके उन सारे बच्चों जो पहली पहली बार तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही मददगार। हालांकि मैं शुरू में भले रोका कि जो तैयारी कर रहे थे वो मत देखें, बट अगर आप चाहते हो इस सेशन को, तो यहां से आपका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। एक क्विक रिवीजन मतलब कि आपने जो 3-4 साल तैयारी किए हैं, वहां से आप बहुत बेहतर तरीके से आप सारी चीजें रिवाइज कर पाओगे और फिर अपनी तैयारी को आगे ले जा पाओगे। क्योंकि अभी इसके एग्जाम डेट की बात करें तो फरवरी-मार्च 2025 से पहले होगा नहीं। ऐसे में हमारे पास पूरा अक्टूबर है, नवंबर है, दिसंबर है, जनवरी, फरवरी, 5 महीने इधर, और सितंबर में जब से आप तैयारी, मतलब आज से तैयारी स्टार्ट कर लो, तो आज से आपका बेहतर समय है, जिसमें हम आपके सारे सिलेबस का टॉपिक, जैसे अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको पता होना चाहिए कि आपको CBT 1 क्लियर करना है, CBT 2 क्लियर करना है, उसके बाद आपको स्किल टेस्ट भी क्लियर करना है। हालांकि स्किल टेस्ट सारे पदों पर नहीं है, लेकिन आपको मैं बता दूं, कुछ ऐसे पद हैं जो टाइपिंग वाले हैं, कुछ ऐसे पद हैं जो साइको वाले हैं। स्टेशन मास्टर के लिए आप आवेदन करोगे तो आपको साइको टेस्ट देना पड़ेगा,
सीबीएटी बोलते हैं, ये आपका क्वालिफाइंग, यहाँ पे 30% नंबर जुड़ेगा, 70% आपका कहाँ से जुड़ेगा, सीबीटी 2 से। और अगर आप टाइपिंग वाले कोई सी पोस्ट पे हैं तो सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट या जेईसीटी पे, तो इसमें आपको टाइपिंग देना पड़ेगा। इसमें जो आपका क्या होगा सिलेक्शन होगा वो आपके किस पोस्ट किस सीबीटी सेकेंड के आधार पर ही होगा। सीबीटी 1 केवल क्वालिफाइंग है, लेकिन आपको पूरी परीक्षा में सफलता अर्जित करने के लिए सीबीटी 1 में भी मेरिट में आना पड़ेगा, फिर सीबीटी 2 से आपको स्किल टेस्ट में आना पड़ेगा। कुछ पद जैसे आपके क्या हो गए, जैसे आपके गुड्स ट्रेन मैनेजर हो गया, जैसे आपका सीसीसी टीएस हो गया जो इस बार नया पद आया है, इन दोनों पद के लिए आपको कोई तीसरा चरण नहीं देना है। तो आपके लिए कौन सा, केवल सीबीटी 1 और सीबीटी 2 ही जरूरी है। तो सीबीटी 1 सीबीटी 2 की अगर हम लोग बात करें, किस प्रकार से हमें सिलेक्शन लेने का एक मूल मंत्र क्या होना चाहिए, क्या हमारा तरीका होना चाहिए, कैसे हमें आगे बढ़ना चाहिए, इसे हम अगले 2-3 मिनट में 5 मिनट में अच्छे से समझेंगे। देखिए, आपके पास 90 मिनट मिलने वाला है और 90 मिनट यही निर्णायक समय होगा जब आपको अपने एग्जाम में सफलता अर्जित करनी है। 90 मिनट मतलब 1.5 घंटा कोई बहुत ज्यादा समय नहीं होता, और 90 मिनट ही आपको सीबीटी 2 में भी मिलेगा, मतलब दोनों में समय अवधि दोनों में बराबर है। लेकिन जो आपका सीबीटी 1 है यहां पे केवल 100 क्वेश्चन होगा, जबकि सीबीटी 2 में 120 क्वेश्चन होगा, 20 क्वेश्चन का फर्क होगा। कैसे, 10 क्वेश्चन आपका जनरल अवेयरनेस में बढ़ जाएगा, 5 क्वेश्चन आपका मैथ्स में बढ़ जाएगा और 5 क्वेश्चन आपका रीजनिंग में बढ़ जाएगा। बट अगर हम लोग बात करें सिलेबस पैटर्न की कि आखिर हमें पढ़ना क्या है, इसमें पूछा क्या जाएगा, आप लोग देख पा रहे होंगे आपसे मैथ रीजनिंग और जीके जीएस केवल 3 विषय में आप पारंगत कर लेते हो, 3 विषय में आप अच्छे से तैयारी कर लेते हो, तो इन 3 विषय के दम पे आपकी क्या हो जाएगी, तैयारी हो जाएगी। लेकिन यहां पे जीके जीएस एक पार्ट ऐसा है जो रेलवे के एग्जाम में बच्चों के नंबर बहुत ज्यादा डाउन लेके आता है। वहीं पे मैथ्स और रीजनिंग की बात करें, ये स्कोरिंग पार्ट होते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो पहली पहली बार तैयारी कर रहे होते हैं उनका समय बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, उनका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, जिसकी वजह से उनके अटेम्प्ट कम रह जाते हैं या फिर क्वेश्चन छूट जाते हैं या फिर वो क्या करते हैं कि ज्यादा समय के चलते जीके जीएस में एक्यूरेसी गड़बड़ हो जाती है, उनकी क्या हो जाती है, नेगेटिव मार्किंग बहुत ज्यादा हो जाता है। पूरे रेलवे परीक्षा में आप चाहे सीबीटी 1 में होंगे चाहे सीबीटी 2 में होंगे, 1/3 आपकी नेगेटिव है, आपको ये पता होना चाहिए। क्लियर है भैया मेरे? अब आते हैं कि आखिर आपको अगर वाकई में सिलेक्शन लेना है तो करना क्या है। अगर आप इससे पहले की कट ऑफ अगर आप देखोगे, एक बार एक सरसरी निगाह हम लोग कट ऑफ देख लें कि ये कोई मजाक की बात नहीं है। रेलवे एग्जाम में अगर आपको सफलता अर्जित करनी है तो मेरे ख्याल से अगर कोई से को मजाक लग रहा है तो मजाक ना ले ज्यादा बेहतर है, क्योंकि अगर आप कट ऑफ देखोगे तो कट ऑफ 100 में से जो नॉर्मलाइज नंबर होते हैं जनरल के 73 हो गया, 62 हो गया लेवल 2 के लिए, और लेवल 6 के लिए 83 हो गया। ऐसे आप आगे देखोगे तो यहां पे लेवल 6 के लिए 72 हो गया, लेवल 6 के लिए 88 हो गया, 86 हो गया, मतलब ऑन एवरेज आप देखोगे 85 हो गया। तो अगर आप एक बेहतर पद पे जाना चाहते हो तो आपको एटलीस्ट 80% से ज्यादा टारगेट लेके अभी से चलना पड़ेगा। अगर इससे कम में टारगेट लेके चलते हो तो मेरे ख्याल से रेलवे की तैयारी करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाएगा और फाइनल लक्ष्य तक पहुंचना भी थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो फिर आपका टारगेट क्या होना चाहिए, अगर आपको 80% आपको सीबीटी 1 में लेके आना है तो 40 आपका क्या हो गया, 40 आपका जीके जीएस हो गया। ऐसे ही अगर हम लोग बात करें आपका 30 क्वेश्चन मैथ्स हो गया और आपका क्या हो गया, आपका 30 क्वेश्चन क्या हो गया, रीजनिंग हो गया। अब क्योंकि आपको 80% मार्क्स लेके आने हैं, नॉर्मलाइज मार्क्स लेके आने हैं, इसका मतलब कि आपका क्या है, आपको गलती के चांसेस तो है ही नहीं। सबसे ज्यादा गलती जीके जीएस में होती है और 40 में से बच्चा 20-20 क्वेश्चन गलत कर देता है, लेकिन 1/3 नेगेटिव है तो नेगेटिव भी तो लेके जाएगा। आप सोचो 86-88 या आपके कट ऑफ जा रहे हैं, इसका मतलब अगर आप 100 में 100 अटेम्प्ट करते हो तो मात्र 10 क्वेश्चन केवल गलत कर सकते हो। मतलब अगर कोई ये बोले कि आपको क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है तो शायद वो आपको सीधा गलत रास्ता दिखा रहा है। मेरा कहना है रेलवे की परीक्षा आपको निकालनी है तो आपको केवल पढ़ना पढ़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। अगर आप छोड़ने वाली स्ट्रेटजी पे आगे जाते हो तो निश्चित रूप से आपको सिलेक्शन बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन छोड़ने का मतलब ये नहीं, पढ़ने का मतलब ये नहीं कि जितनी किताबें हैं, जितना दुनियादारी है, तमाम संस्थाएं हैं, तमाम पीडीएफ है, सब पढ़ डालो, नहीं। यहीं पे हमें समझना है, जो सिलेक्शन लेने वाला बच्चा होता है यही समझ जाता है कि हमें पढ़ना तो सब है, क्या पढ़ना है, सिलेबस में जो टॉपिक दिया है ये पढ़ना है, इसे नहीं छोड़ना है। तो छोड़ना क्या है, छोड़ना वो है कि 10 किताबें पढ़ने का मतलब नहीं है, 10 संस्थाओं के कंटेंट पढ़ने का मतलब नहीं है। आप एक जगह पढ़ो, एक चीज को 10 बार पढ़ो, वो आपके सिलेक्शन का मूल मंत्र बनेगा, वो अपने आपके सिलेक्शन का आधार बनेगा। आप एक कंटेंट जो आपके पास ऑथेंटिक कंटेंट हो, जो बेहतरीन कंटेंट हो, वो आप पढ़ो। रही बात कंटेंट में, तो
कंटेंट कहां से लें? तो मैंने इसीलिए, अब आप बोलोगे सर प्रारंभ सीरीज के बारे में आप बता रहे थे, ये कैसे फ्रेशर वाले बच्चों को होगा? तो एक चीज आप समझ गए कि भाई आपको सिलेबस में पढ़ना सब कुछ है, सरसरी निगाह से सिलेबस में देख लो, आपका लगभग कंप्लीट मैथ्स जिसमें स्टेटिस्टिक भी पूछी जाती है, एलजेब्रा भी पूछा जाता है, ज्योमेट्री भी पूछा जाता है, मेंसुरेशन भी पूछा जाता है, अरिथमेटिक तो पूछा ही जाता है, मतलब कोई ऐसा पार्ट नहीं मैथ्स में ना पूछा जाए, कोई ऐसा पार्ट नहीं रीजनिंग में नहीं पूछा जाए, और जीके जीएस जनरल अवेयरनेस में कोर तो आपसे पूछता ही है, साथ में स्टैटिक जीके भर भर के आपसे पूछता है, जो कहीं ना कहीं आपको समग्र रूप से पढ़ने के लिए क्या करता है, प्रेरित करता है। तो आप सारे बच्चों के लिए, जो फ्रेशर बच्चे हैं, जो तैयारी बिल्कुल कर रहे हैं, उनके लिए प्रारंभ सीरीज लाई गई है। इस प्रारंभ सीरीज में मैं आपको बता दूं इसके फीचर क्या है, ये आपकी 7 दिन की मैराथन होगी, यहां पे महामैराथन लिखा है ना, 7 दिन 7 क्लास होगी, और हम इस क्लास को इस भी हाफ पे ले चलेंगे कि अगर आप पहली बार तैयारी कर लो तो आपको ये पता होना चाहिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है, उनके लगाने का तरीका क्या है, क्योंकि जो बच्चा पहली बार तैयारी करता है उसे 5-6 महीने इस सब बात को समझने में लग जाते हैं कि भाई हम किस प्रकार से पढ़ें, कौन से टॉपिक पढ़ें, कौन से टॉपिक को कितनी गहराई से पढ़ें, और सबसे बड़ी बात है उनको हल करने का, उनको याद करने का, उनको लगाने का जो सबसे बेहतर तरीका, जो सर्वोत्तम तरीका है वो क्या हो सकता है कि हमारे दिमाग में चीज़ें बैठी रहें, हमें अत्यंत मेहनत ना करनी पड़े, एक बार पढ़ के हमारे दिमाग में ज़्यादा रिटेंशन वैल्यू हमारा ज़्यादा बना रहे और हम एग्जाम में उसका उपयोग कर पाए, ये सारी चीजें आपको समझना ज्यादा जरूरी होता है। क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं ये देखना जरूरी होता है, और उनके पीछे की रणनीति क्या है ये देखना जरूरी होता है। तो हमने आपको पूरे सिलेबस के हिसाब से 7 दिन 7 मैराथन लेके आए हैं, जिसमें मैथ्स भी, आपका जीके जीएस भी, रीजनिंग भी, जीके जीएस में साइंस का पोर्शन है तो उसको भी, मतलब साथ में आप तीन जो सिलेबस का पार्ट है तीनों पोर्शन हम लोग लगातार 3-4 घंटे की क्लास करेंगे। ये शाम को 6 PM पे क्लास होगी और 6 PM से ये लगभग 9 PM 10 PM लगभग 3-4 घंटे की रोज क्लास होगी, 3-4 घंटे की क्लास होगी, जिसमें हम लोग सारे टॉपिक जो आपका सिलेबस का है, जैसे मैंने जो प्लान बनाया है कि आपका मैथ्स है तो मैथ्स में आपको जो फाउंडेशन टॉपिक है जैसे नंबर सिस्टम के अंदर डेसिमल फ्रैक्शन एलसीएम एचसीएफ इनका एक क्लास वो मैं आज ही ले लूंगा, ये बेहतर, ये क्लास एक ले लूंगा, ऐसे अरिथमेटिक में रेशियो प्रोपोर्शन के साथ साथ मैं परसेंटेज ले लेता हूं, या परसेंटेज के साथ प्रॉफिट एंड लॉस को साथ में ले लूंगा, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट ले लूंगा, रेशियो हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, इनको एक साथ ले लूंगा, एलजेब्रा की आपकी एक क्लास में आपको बेसिक फाउंडेशन क्लास, ट्रिग्नोमेट्री की फाउंडेशन क्लास और एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक की फाउंडेशन क्लास हम लोग यहां पे कवर करेंगे। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जब आप पेड बैच में आते हो तो पेड बैच में जो टीचर पढ़ाता है वहां पे सारे बच्चों को एक लय में लेके चलता है, वहां पे 2-3 साल पुराने तैयारी करने वाले बच्चे भी होते हैं, फ्रेशर बच्चे भी होते हैं, तो फ्रेशर बच्चे बोलते हैं कि सर धीरे धीरे पढ़ाइए, सर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, सर बिल्कुल बेसिक से बताइए। वहीं पर जो दूसरा बच्चा होता है 2-3 साल से तैयारी कर रहा होता है वो कहता है कि नहीं सर ये तो सब बहुत छोटी सी चीजें हैं, ये मत बताइए, आप आगे बढ़िए। तो ऐसे में हमारे लिए भी बहुत दिक्कत होती है, हमारे टीचर्स के लिए भी बहुत दिक्कत होती है कि सारे बच्चों को एक साथ लेके चला जाए। इसी कारण से आप सभी के लिए 7 डे 7 मैराथन लेके आया गया है, जो आप मान के चलो अगर सारा कर लेते हो तो 28-30 घंटे की अतिरिक्त क्लास, फ्री क्लास आप सभी को दी जा रही है, जो कंप्लीट सिलेबस को फाउंडेशन बेसिस पे, बिल्कुल इनिशियल बेसिस पे कैसे पढ़ना है, ऐसे आपकी पूरी रीजनिंग में स्पेशल टॉपिक को कवर करके एक दिन में कुछ क्लास, ऐसे आपके जीके जीएस में इतनी सारी टॉपिक हैं जिसमें आपका क्या है, जिसमें आपके बोल सकते हो कि स्टैटिक जीके का भी टॉपिक है, आपका कोर भी टॉपिक है, इन सबको 7 डे 7 क्लास में किया जाएगा। तो ये कैसे किया जाएगा, शाम को 6 PM पे आपके जीके जीएस की स्पेशल टॉपिक करवाई जाएगी। जैसे किसी दिन हमने बुक्स एंड ऑथर ले लिया, किसी दिन फेमस पर्सन ले लिए, किसी दिन आर्ट एंड कल्चर ले लिए, किसी दिन हम लोग क्या ले लिए, हिस्ट्री ज्योग्राफी ले लिए, किसी दिन हम पॉलिटिक इकोनॉमिक्स ले लिए, ऐसे आपका क्या कराएगा 6 PM, और उसी क्लास में 7 PM से आपकी क्या होगी, रीजनिंग होगी, और उसी मैराथन में आपका 8 PM पे मैं लेके आऊंगा मैथ्स लेके आऊंगा। तो ये 6 PM आपको सर्वेश सर, रमन सर, 7 PM पे आपको आशीष सर, 8 PM पे आपको मैं मैथ्स लेके कवर करूंगा, और ये अगर 3-4 घंटा आप क्लास कर लेते हो तो निश्चित रूप से आपकी सफलता, आपका जो फाउंडेशन है, जो बेस है, जो बुनियाद है, वो बनने में कोई नहीं रोक पाएगा। और उसके बाद हम लोग कोर्स में तो जुड़ेंगे ही, और कोर्स में जुड़ने के साथ साथ हम अपनी तैयारी कोर्स में करेंगे। साथ में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर किताब कौन सी होनी चाहिए,
तो मैं रेलवे के लिए आपको सजेस्ट करूंगा, पहला काम आप करो अपना कॉन्सेप्ट मजबूत करो। कॉन्सेप्ट कहां से मजबूत करोगे? सबसे पहले आप फाउंडेशन करोगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप इस सीरीज को छोड़ते हो, इसका मतलब आप अपने तैयारी के अभिन्न अंग को छोड़ते हो। निःशुल्क है, बिल्कुल बेहतरीन है, हमारी टॉप फैकल्टीज आपको ये करा रही है, तो आपको बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। आप एक दिन क्लास लोगे, आपको खुद चार बच्चों को सजेस्ट करोगे, हाँ यार आलोक सर है परीक्षा प्लस है, बहुत बेहतर तैयारी करवाती है, यकीनन कोई प्लेटफॉर्म है जो हर एंगल से सोचती है, तो वो परीक्षा प्लस है, आप खुद अपने भाइयों को बताओगे। तो इसमें किताबें, तो आप सबसे पहले कॉन्सेप्ट अपना मजबूत कर लो, कॉन्सेप्ट के बाद प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस आपको तमाम दुनिया भर की, हमने ये किताब निकाली, आप उनके चक्कर में मत जाओ कि बहुत लोग बोलते हैं कि हम बहुत बड़े हैं, हमारा बहुत बड़ा चेहरा है, और केवल दिन भर कंट्रोवर्सी और लड़ाई करते रहते हैं। कोई मतलब नहीं, आप बिल्कुल नए हो, आप भटक जाओगे। इससे बेहतर है कि आप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप प्रीवियस करोगे, जैसे यूथ की किताब है, इसमें 16,100 से आप यूथ ले लो, आप घटनाचक्र ले लो, आप किरण ले लो, कोई किताब आपको जो सही लगती है, हालांकि ये सारे पब्लिकेशन की सब कुछ ईबुक जो आपको 700-800 रुपए में मार्केट मिलती है, ये सब कुछ मैं परीक्षा प्लस ऐप पे ईबुक सेक्शन में, कहां पे, परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे, परीक्षा प्लस ऐप आपका ऐसा दिखेगा, तो आप इसे जब परीक्षा प्लस ऐप डाउनलोड करोगे तो यहां पे आपको ईबुक सेक्शन में क्या करेगा, ईबुक सेक्शन में ये फ्रंट का दिख नहीं रहा, यहां पे शायद वो पेज हट गया, कोई बात नहीं, तो यहां पे आपका क्या आएगा, फ्रंट पे ही ईबुक सेक्शन आएगा, और ईबुक सेक्शन में आप जाओगे तो ये सारी ही किताबें, ये सारी किताबें आपको क्या मिलेंगी, 10-10, 20-20 रुपए में लगी मिलेंगी। आप इन्हें डाउनलोड कर लो और केवल यहां से प्रैक्टिस करो, कॉन्सेप्ट मजबूत करो। आपको जो क्लासेस है, जैसे आप कह रहे हैं सर हम किताबें पढ़ने के लिए कौन सी किताबें लें, तो पढ़ने के लिए कौन सी किताबें हैं वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि पढ़ने के लिए आपको कौन सी किताबें लेनी है। पढ़ने के लिए किताबों में आप परीक्षा प्लस ऐप पे जाओगे, आप कोर्स से जुड़ते हो, जैसे अगर आप किससे जुड़ते हो, एनटीपीसी 2.0 से जुड़ते हो, आप रेलवे के सारे बैचेस परीक्षा प्लस ऐप पे मात्र 199 रुपए में प्राप्त कर सकते हो, और इस 199 में आपको सारी लाइव क्लासेस, उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस, सारे क्लास के नोट्स के पीडीएफ, सारे बुकलेट नोट्स, जो बुकलेट पीडीएफ होती है, जो किताबें होती हैं, वो आपको इसमें दिया जाएगा। साथ में ही आपको गाइडेंस पूरा दिया जाएगा, आपको टॉपिक टेस्ट दिया जाएगा, और प्रैक्टिस भी भरपूर आपकी करवाई जाएगी, कुछ भी आपका छोड़ा नहीं जाएगा। इसके अतिरिक्त ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है तो आप प्रीवियस ईयर में पूछे हुए, आप जैसे मैंने आपको ये किताबें दिखा रहा हूं, ये किताबें आप क्या करोगे, ये किताबें आप ले लो, एक किताब में 16,000 प्रश्न है, अगर आप इनको प्रैक्टिस कर लोगे, इनसे बाहर आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता नहीं है, तो यही मोर देन आपके लिए क्या होंगे, सफिशियंट होंगे। तो ये आप एक रोड मैप जो है, जो हम लोग लेके चल रहे हैं, आप लोग इसे ज्वाइन करिए, शाम को 6 बजे से ये क्लास होगी, और आपके लिए बहुत बेहतर क्लास होने वाली है, आप इसे स्किप बिल्कुल मत करिए, और अगर आप ये 7 दिन की क्लास कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी सफलता मिल जाएगी, इस बात की गारंटी मैं लेता हूं। मैं आपसे वादा करता हूं कि एक भी अंश आपकी तैयारी में, एक भी प्रयास ऐसा नहीं होगा जिसमें ढीला बरतूंगा, जो मैं छोड़ूंगा, और आपको भी मुझसे वादा करना पड़ेगा, हां सर आप जितना कवर करवाएंगे वो सब मैं कवर करूंगा, मेरे लिए नौकरी सबसे ज्यादा जरूरी है, और मैं नौकरी इस बार लेके रहूंगा, आपका यह वादा मुझसे होना चाहिए, और अगर हम दोनों अपने वादे पर कायम रहे तो यकीन मानिए हम दोनों की मंजिल एक है, आपकी सफलता। अगर आप सफल हो जाते हो तो निश्चित रूप से वो सबसे ज्यादा खुशी किसे मिलेगी, हमें खुशी मिलेगी, आपके उस सफलता के लड्डू का एक अंश, उस मोतीचूर के लड्डू का एक मोती खाने का हमारा भी दिल करता है कि हाँ भाई आपकी सफलता में हमारा भी अंश हो, और हम उसी लिए दिन रात मेहनत करते रहते हैं। बैच से आप जुड़ते हैं, आपको तैयारी वहां पे बाकी प्रॉपर चीजें पेड तैयारी कराई जाएगी, और आप खुद जब फ्री वाली क्लासेस देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा, नहीं यार पेड क्लास में कितने बेहतर तरीके से पढ़ाया जा रहा होगा, कितना बेहतर कंटेंट होगा, सब कुछ हम लोग बताएंगे। तो ये जो आपको 7 दिन 7 मैराथन प्रारंभ सीरीज है, ये आपकी पूरा गाइडेंस प्रोग्राम है, एक फाउंडेशन प्रोग्राम है, एक प्रारंभ प्रोग्राम है, प्रारंभ सीरीज है, इसमें आपको सारी वो चीजें बताई जाएंगी, सारी वो चीजें करवाई जाएंगी जो आपके तैयारी का एक अभिन्न अंग है, जो लोग 2 साल 3 साल 4 साल मेहनत करके जो हासिल करते हैं वो आप अगले 27-28-30 घंटे में, मतलब कि आप 7 दिन 7 मैराथन में आप कवर कर लोगे, इस बात का आपसे वादा है, वादा रहेगा, और आपके सिलेक्शन तक आपके साथ परीक्षा प्लस हमेशा खड़ा रहेगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फिर मिलूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत आभार।